अभी रुक जाना है 5 मिनट में मैं लेकर निकल रहा हूँ बैठ जाएंगे कहीं बैठा तो फ्री है तो क्योंकि वहाँ कहाँ निकलते हैं बारिश में तो इतना बड़ा इंसान बिल्कुल भी नहीं आप जब बोलो ना डिड यू गाइस सी मेडिकली प्लीज डू वॉच यस डिड यू लाइक इट तो देखा कि निकम ने मुझे ऐसा लग रहा है इतने कन्विंसिंगली 5 बार बोला हाँ 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 तो देखा ही नहीं देखा इसने ही नहीं देखा होगा बाकी हाँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए यू नो यूथ शोज इन दिस कंट्री ओह यू हैव वन एन अवार्ड एंड यू आर दिस इज माइन यूथ आइकन ऑफ 2019 शांतनु महेश्वरी क्या इन्फ्लुएंस करते हो तुम यूथ को यार आप लोग की वजह से सच्ची बता दो प्लीज यार वो क्या है ना कि अवार्ड्स अवार्ड्स हो रहे हैं तो अवार्ड्स के लिए हमेशा ही लोग एक्साइटेड रहते हैं और बहुत वक्त हो गया था कि मैं नॉमिनेटेड बिहाइंड द स्क्रीन नहीं हुआ था तो इसलिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ पंच बीट आई एम अगेन नॉमिनेटेड फॉर समथिंग वेरी कूल सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस I have come to support him actually. It's really really interesting because I've seen Punch Beat, how incredible it was. So yeah, best yeah. content creator. You know, social media की बात हो रही है तो social media पर आप लोग सबसे ज़्यादा किसे follow करते हो या किसे pictures को बहुत ही ज़्यादा आप लोग like? Yeah, you know, I like Will Smith a lot. I like Will Smith a lot. The Rock. उनके ना मुझे बहुत motivational लगते हैं, बहुत encouraging लगते हैं, very real. So a lot of the celebrities, baki kya hota hai na, they will show what is glossy, glamour, likes. Even I do that because we are looking at more people to like us. Because but Rock and people like Will Smith are so sorted. They don't have to do things for others. They do things for the larger good. So I think that's a really nice space to be in. मैं बताऊँ इसलिए एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया पे बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यू नीड टू बी कनेक्टिंग विद द ऑडियंसेस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि वो यूथ प्रोग्रामिंग बना रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं जिसका कोई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ही नहीं होता उन्हें पता ही नहीं क्या किसको क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए तो वो जो 10 साल पुराना कॉन्टेंट होता है वो इसलिए बनाता है बिकॉज दे आर नॉट गोइंग अहेड विद टाइम्स टुडे वेरी वेरी एंड वेरी इंटेलिजेंट पीपल डू दैट लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी रणविजय आई रियली एडमायर हिम बिकॉज ही इज वन ऑफ द अदर पीपल हु ऑल्सो डज द सेम थिंग सो रणविजय इज ऑन अ टिकटॉक एनी वन एल्स वुड हैव नॉट डन दैट बट आई एंड रणविजय बोथ आर ऑन टिकटॉक वाई बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम ऑडियंस वहाँ पर है इस वक्त एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट वेयर द ऑडियंस इज देयर एंजॉयिंग द होल प्रोसेस मैं तो बहुत खुश हूँ आ गए हैं Absolutely. अभी टेलीविजन आर्टिस्ट या कोई भी बॉलीवुड आर्टिस्ट के इतने मिलियन फॉलोवर्स नहीं होते इतने जल्दी पर ये तो बहुत अच्छी बात है ना इमेजिन अब किसी के हाथ में पावर नहीं है इफ़ यू आर गुड पीपल विल फॉलो यू यू विल बी सरप्राइज्ड आई हैड मेट दिस यंग बॉय आई थिंक अ वीक बैक उसका नाम है रियाज रियाज वॉज इन बांग्लादेश आई थिंक एंड ही वॉज वेटिंग टू मीट मी फॉर सम टाइम So I had no idea so much about Riyaz as much. When I reached there, there were people wanting to make TikToks with him. Everyone has made a TikTok with him, no matter what celebrity it is.
they're all excited about him, but he's a 16-year-old boy. And he and I connected over Danish. He's a big Danish fan, and Danish is a kid. For me, he will always be my house guest. So I think I saw so much of dreams in his eyes, and we spoke about Danish, and he was crying, and I was crying. And I had never met him. But you know, there are things that connect you. And I think any app, whether it's going to be Like Now or TikTok or anything else that will come in the market, will only go ahead and open opportunities for more people to have fun, because India lacks having fun. They don't have an app. Abhi aap dekhoge song apps mein to puri family, father, son, daughter are making things together. When in our times, we never had a possibility like that. It's so interesting. Everyone's creativity is coming out. Arey, toh bahut karte hai. You know, iske alawa, aapse bhi madam jaana chahiye. इस बार तो मैं नहीं जा रहा हूँ. हाँ, पिछली बार मैं बताऊँ आपको, मेरा सीजन 11 था. सीजन 12 में मुझे ऑलमोस्ट 5 times बुलाया था, उनमें से मैं मना करते करते 3 times गया हूँ. तो आई जस्ट फील दैट इस बार मैं बिल्कुल ऑफ हूँ वहाँ से. और पता है, मुझे नहीं पता. तुम लोग बिग बॉस क्यों भेज रहे हो बेचारी को? अभी तो एसो स्पेस से आई हूँ. ओके, सो इस बार कॉमनर्स नहीं है, सो क्या ख्याल है? लास्ट टाइम जितना हल्ला खुल्ला हुआ था, दंगा हुआ था, इस बार नहीं है तो कैसे लगे? नहीं है, मुझे अच्छा लगता है कॉमनर्स होते हैं तो, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन देयर आर कॉमनर्स, यू गेट टू सी अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड ऑल्सो द पीपल हु थिंक दे आर ह्यूज और बिग, दे आर सेलेब्स.